लातेहार जिले में अनुसूचित जनजाति का परमंडलीय सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास। कार्यक्रम में परमंडल से हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान झारखंड का विकास कैसे हो, इस पर परिचर्चा की गई। मौके पर मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नौकरशाहों के भरोसे झारखंड का विकास संभव नहीं है। झारखंड के विकास के लिए लोगों को आगे आना होगा व सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत पर बल दिया। आगे मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि 20% अनुसूचित जनजाति के लोग झारखंड में निवास करते हैं, परंतु वे सरकारी सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। सरकार उनके विकास के लिए एजेंडा बना रही है ताकि उनका विकास हो सके। वहीं विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि विपक्ष सीएनटी एसपीटी एक्ट पर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है व लोगों से अपील की कि वो इनके दिग्भ्रमित जाल में न फंसे। साथ ही श्री दास ने कहा कि प्रदेश से गरीबी अशिक्षा बेटा बेटी में फर्क को मिटाना है, तभी समृद्ध प्रदेश का निर्माण हो सकेगा। विकास विरोधी लोग नहीं चाहता है कि गरीबी समाप्त हो, वह फायर रेंज नेटरहाट में नहीं खुलेगा, उसके बाद भी जनता को हमारा गरीब को भड़काकर फायर रेंज कर। इसलिए मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, सरकार कब का इसको रद्द कर दिया, लेकिन ये जो विकास विरोधी राष्ट्र विरोधी शक्तियां, ये हमारी जनता को, इसलिए आप समाज का सब पढ़ा लिखा लोग भैया, ये लोग को भला हुआ, ये विकास विरोधी शक्तियां बोलो 70 साल से हमको उल्टा सीधा समझाता रहा ना, और अपने देखिए कहाँ है, देखिए वाता कितना साफ सुथरा रहता है, और आपको बोलता वही रहो अपने राय के माल में, नेता लोग अपने राय का माल में, गरीब को बोलता झोपड़िया में रहो, तुम झोपड़िए के लिए पैदा लिया, नो गरीब भी माल में रहेगा। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया झारखंड में कोई बेघर भी नहीं रहे, जो हमारा प्रधानमंत्री जी का सपना है 2022, हम झारखंड में 2020 में कोई हमारा गरीब बेघर नहीं रहेगा, 2 रूम लैट्रिन बाथरूम किचन, इतना ही नहीं राज्य सरकार ने तो जो हमारी विधवा बहन में छेड़छाड़ नहीं किया, जमीन आज भी अधिग्रहण हो रहा है कि नहीं बताइए, हो रहा है कि नहीं अधिग्रहण, रोड बनाने के लिए हो रहा ना, पैसा कितना दिन मिल रहा है 2 साल में, कितना दिन मिलता है, अरे जोर से बोलो भैया, चुप रहना बंद करो, इसी चुप रहने के कारण